स्वागत है आप सबका मेरे किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी, जो रोज़ के खाने से अलग है। रोटी सब्जी तो रोज़ ही खाते हैं, आज कुछ अलग ही बनाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा बर्तन लेते हैं और इसमें डालेंगे आटा। मैं एक बाउल आटा ले रही हूँ, 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच चावल का आटा, अगर हो तो आप डालें, नहीं तो स्किप कर दें। और थोड़ी सब्जियों को डालेंगे। तो यहाँ मैं शिमला मिर्च ले रही हूँ, थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ा सा गाजर जिसे बारीक घिस लिया है, और ये बारीक कटा हुआ प्याज, 2-3 हरी मिर्च, आप जैसा तीखा खाना चाहते हो उसी हिसाब से मिर्चा लें, कम चाहे ज़्यादा कर लें। सब्जी आप अपने पसंद की और भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ी ही सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ और अभी डाल रही हूँ थोड़ा हल्दी कलर के लिए, स्वाद के अनुसार नमक। मैं यहाँ ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो मसाला और भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और अब इन सबको मिला लेते हैं। इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिलाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये घोल तैयार हो गया है। मैं ज़्यादा पतला या ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, इसी तरह का घोल तैयार करना है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तो पैन चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, और इसमें लगाते हैं थोड़ा सा ऑयल। ऐसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे, फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। ये चीला साइड साइड छोड़ दिया है, और इसके ऊपर हल्का सा तेल लगाकर इसे पलट लेंगे ताकि हमारी दोनों साइड अच्छी तरह से सिक जाए। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आया है। ऐसे भी 2 मिनट के लिए ढक देंगे। ये बहुत जल्दी ही बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमारा भेज चिल्ला बनकर हो गया है तैयार। ये हमारे सारे चिल्ले बन गए हैं। ये बहुत ही हल्का होता है खाने में। आप इसे बनाएंगे तो एक के बजाय 2 खा लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है ये, और कम समय में बन जाता है। तो आप सब भी ट्राई कीजिए, बनाइए। कैसा बना है एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।